का हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो गैस पर मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं देसी घी। मैंने 4 चम्मच के लगभग देसी घी लिया है। इसको मेल्ट होने देते हैं अच्छे से। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं डाल दे रही हूँ इसमें बेसन। इसको अच्छे से चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। धीमी आंच पर हम भून लेंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखना है। बेसन जल जाएगा और इसका टेस्ट है बिल्कुल खराब हो जाएगा। देखिए बेसन जो है अच्छे से भून गया है। इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन दिख रहा होगा आपको। बहुत सुंदर कलर आया है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब डाल देती हूँ इसमें चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम मीठा खाते हो तो कम चीनी डाल लें। चीनी को अच्छे से सुपर मिक्स कर देना है। अब मैं डालूंगी इसमें पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसको। एक चम्मच पानी में नहीं डालना है इसमें। थोड़ा सा पानी और डाल दे रही हूँ और आँच को हम थोड़ा तेज रखेंगे। अब मैं डाल रही इसमें कूटी हुई इलायची। मैंने 3 इलायची को कूट लिया था। इसे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और अच्छे से इसे भून लेना है। तो हमारा बेसन का जो हलवा है देखिए कितना दानेदार बना है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर इस तरह से आप हलवा बनाएंगे तो आपका भी हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार बन के तैयार होगा। और इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। देखिए हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा मैं काजू इस पर डाल दे रही हूँ। तो आज का हमारा हलवा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।